नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम। आइए डालते हैं नज़र आसपास की कुछ खास खबरों पर। पिछले कई दिनों से बवीना कस्बा समेत आसपास के इलाकों में बिजली विभाग द्वारा अंधाधुंध बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त। रोस्टर के मुताबिक 24 घंटे में केवल 4 घंटे ही कटौती का प्रावधान, परंतु यहां तो पिछले 15 दिनों से मात्र 5 घंटे ही बिजली प्राप्त हो रही है। एक तरफ बरसात का मौसम और दूसरी ओर उमस भरी चिपचिप गर्मी, बिजली के अभाव में लोगों को खून के आंसू रुला रही है। ऐसे में मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया जैसी बीमारियां पनप रही हैं तथा अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। सबसे खास बात तो यह है कि क्षेत्र में इतनी विकराल समस्या है और क्षेत्र के सत्ताधारी नेता मौन साधकर बैठे हुए हैं, जिससे आम जनता का योगी और मोदी सरकारों के प्रति मोह भंग हो रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बवीना बुंदेलखंड के देहात क्षेत्र में आता है और पनकी कंट्रोल रूम से मिले आदेश पर यहाँ की बिजली काटी जा रही है। आज हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स ने बवीना कस्बे के भाजपा के युवा नेता तथा युवा व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष शैलेश शिवहरे सोनू से बात की। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर उनसे हुई वार्ता के कुछ अंश। देखिए, सब प्रथम तो यह है कि बिना लाइट के व्यापार चौपट की स्थिति में है, और चूंकि हम सरकार के नुमाइंदे हैं तो मैंने लिखित रूप से पंडित श्रीकांत जी, जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनको पत्र भेज दिया है। और 17 तारीख को माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और इस समस्या से उनको रूबरू कराएगा। मेरी एचडीओ महोदय जो बबीना देखते हैं, उनसे बात हुई, 2-3 बार बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि पनकी कंट्रोल रूम से आदेश दिए जा रहे हैं कि बबीना जो कि बुंदेलखंड में आता है देहात क्षेत्र में, इनकी कटौती की जाए। तो लिखित में उनके पास कोई आदेश नहीं है, बस यही बता दिया जाता है बस। नहीं, बिल्कुल वोट दिया है और आप देख रहे हैं कि कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं शासन की ओर से। हाँ, विद्युत के वजह से जनता में बहुत बेचैनी है और सरकार के प्रति नाराज़गी है। शीघ्र ही अपने माननीय प्रतिनिधियों से मिलकर शीघ्र ही इस समस्या से निजात दिलवाने की कोशिश की जाएगी।